ये हमारे पास हमारा सॉरी वीक, वीक फोर का लेक्चर थ्री है और इस लेक्चर के अंदर हमने आ, रिलेशनल के बारे में पढ़ना है सो रिलेशनल क्या चीज है जैसे मैथ में आपके पास आपके एक्सप्रेशन होते हैं जब आप क्यूरी लिखते हैं तो उन क्यूरी की बैकहेंड के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन uh, है वो हमारे पास रिलेशनल अलजब्रा के फॉर्म में हो रही होती है और इस अलजब्रा की बेस पे पार्ट uh, होके आपकी क्यूरी जो है उसकी एग्जीक्यूशन होती है क्योंकि आपने तो अंग्रेजी टेक्सट लिखा हुआ है इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पीछे जाके ब्रेक होके जो है वो एग्जीक्यूट होना है तो हमें इस लेक्चर में ये देखेंगे कि वो अल्जब्रा जो है वो क्या है सो so हमने अपनी एसक्यू एल तो के उसके सारे ऑपरेटर्स और फंक्शंस तो हम देख चुके हैं कि सिलेक्शन क्या होती है प्रोजेक्शन क्या होती है अब हमने असल में देखना ये है कि की तो बैकंड के ऊपर सिलेक्शन जो है वो किस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होगी प्रोजेक्शन किस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होगी एंड सो so ऑन और वो किस तरह से आपकी जो एक क्यूरी है वो रिलेशनल अल्जब्रा में ट्रांसलेट हो रही होगी रीडिंग इस सिलसिले में जो है वो चैप्टर चैप्टर और टू से आप कर सकते हैं जो कि डाटा बेस सिस्टम जेनिफर उलमन की बुक है अच्छा अभी कैसे काम करता देखते हैं सो so, हमारे पास आर डी बी एम एस हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारे पास है ना कुछ मॉड्यूल्स हैं पहली बात तो आपने इसमें एच क्यू एल क्यूरी लिखी जो कि यूजर की तरफ से आई है फिर उसके बाद उसका एक रिलेशनल अलजबरा प्लान बनेगा उसकी एक ट्रांसलेशन होगी कुछ एक्सप्रेशन होंगे जो आपकी क्यूरी उस शक्ल के अंदर कुछ लिखी हुई होगी तो इस रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उनका एक ऑप्टोमाइज प्लान बनेगा ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि हमारे पास हो सकता है कोई काम अगर ट्रिपल नेस्टेड लूप से हो रहा है तो हो सकता है वो डबल से अगर हो सके तो क्या कोई कन्वर्जन पॉसिबल है कि हम किसी तरह से टाइम बचा सके कॉस्ट एफिशिएंट आ रहे एक्सप्रेशन बना सके जो कि एग्जैक्टली इक्वलेंट हो वो क्यूरी जो कि यूजर ने प्रोवाइड किया है ताकि एग्जीक्यूशन टाइम कम हो सके

इस तरह से ऑपरेटर यूज करे होंगे कार्टीजियन प्रोडक्ट के लिए क्रॉस यूनियन के लिए दिस डिफरेंस के लिए दिस और जो ड्राइव्ड है जो कि हमारे पास दूसरे मेजर ऑपरेशंस Uh, है वो उनमें हमारे पास एक ज्वाइन का है जो मैंने आपको बताया ये होता है और इसको हमने डिस्कस भी किया था कि अगर आउटर ज्वाइन हो तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ओ लगा देंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो साथ ये लगेंगे आर करेंगे तो आर लगा देंगे एंड सो ऑन इसी तरह से रीनेमिंग ऑपरेटर अगर हम किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं जिसको हम एलियस कहते थे हम लिखते थे प्रोडक्ट और फिर उसके आगे उसका नाम दे देते दे थे, थे तो उसके लिए रीनेमिंग ऑपरेटर हमारे पास ये रो का जो है वो मौजूद है तो अब ये जॉइंट्स और ये वाले पोर्शन ये ज्यादा हमारे लिए फिलहाल अहमियत के हामिल है तो इनको हम देखेंगे तो एल्जब्रा जो है हमारे पास क्यों है मैंने बताया आपको कि मैथ में एल्जब्रा क्यों करते हैं आगे क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें कि एल्जब्रा बनाने वाला कौन था जो हमें मुसीबत में डाल गया सो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है आपकी प्रॉब्लम की अगर रिप्रेजेंटेशन सही होगी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पढ़ा था अगर आप प्रॉब्लम को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, तो आपकी की है जो वेरिएबल्स की फॉर्म में आप अपने मसलों को प्लस माइनस करके जल्दी लिख सकते हैं बजाय इसके कि आप ये इस तरह से लिखें कि टू टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टाइम्स ऑफ वाई ये लिखने के बजाय मैं सिंपल ये लिख दू तो ये कितनी मेरे लिए इसकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन है और समझ भी आ रही है और बंदा जल्दी इसको इसके ऊपर ऑपरेट भी कर सकता है

रूल्स ये की री ऑर्डर कर लें तो पहले किसको सॉल्व करना है बाद में किसको सॉल्व करना है सेम एग्जैक्टली exactly, अगर आप अब इसको रिलेशन जबरा पे मैप करें तो हमें इन्हीं बातों का फैसला करना है कि हमारे आर ए के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है हमारे रूल्स कौन से हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आर ए प्लान को बनाने के लिए इसके अलावा ये कि कौन से ऑपरेटर को आगे पीछे करने से जैसे डमाज रूल था इसी तरह से एसक्यूएल में कि प्रोजेक्शन पहले कर दूं सिलेक्शन बाद में कर दूं या सिलेक्शन पहले कर दूं प्रोजेक्शन बाद में इससे क्या फर्क पड़ेगा आपकी क्यूरी के रिजल्ट के ऊपर और फिर इसमें रिप्रेजेंट करके हम उसके ऊपर रीजन कर सकेंगे बेहतर तरीके से वो रीजनिंग क्या है ताकि ऑप्टिमाइज प्लान बनाया जा सके तो so, अब एग्जांपल देखते हैं हमारे पास एक क्यूरी है हमारे पास दो टेबल्स थे स्टूडेंट और पीपल का स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है नेम है जीपीए है पीपल में हमारे पास उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसका नाम है और उसका एड्रेस है ठीक है तो अब हमने किया यह है कि जीपी और एड्रेस मालूम करें दोनों टेबल्स का ज्वाइन लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जिसका जी पी से बड़ा है तो और ये ज्वाइन लेने की कंडीशन हमारे पास ये है तो हम इसको थ्री पॉइंट फाइव से बड़े जीपीए वालों का जीपीए और एड्रेस ये दो चीज़ें रिटर्न करवा देते हैं तो अब होगा क्या इसका आ प्लान अगर बनाए सेम ऑपरेटर्स तो कुछ यूं बन रहा है हम क्या करें चूंकि एस और पी को ज्वाइन करें तो सबसे पहले एस और पी का ज्वाइन है ये फर्स्ट स्टेप है ये प्रेजिडेंस में फर्स्ट है तो उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलेक्शन क्या किया है इसके ऊपर वेयर की क्लॉज क्या इम्प्लीमेंट किया सिलेक्शन का ऑपरेटर लगाया और उसकी जो क्लॉज थी वो हमने उसके साथ नीचे छोटी सी करके मेंशन कर दी कि जॉइन के ऊपर आप इस फिल्टर की बेस पे सिलेक्शन कर लें जब आपकी सिलेक्शन हो गई तो फाइनली आपने इसके ऊपर प्रोजेक्शन करनी है तो प्रोजेक्शन करने के लिए हमारे पास इसके बाहर प्रोजेक्शन का ऑपरेटर लगाएंगे और प्रोजेक्शन की जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास आ जाएंगी जी और एड्रेस और ये आपका इसका जो है वो आर ए रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी रिलेशनल अल्जबरा बन जाएगा सो so, अब अब ये क्वेश्चन के अब इस अलजबरा से इस आर प्लान से ऑप्टिमाइज्ड कैसे बनाए तो अब देखते हैं सो so, अब देखें ये हमारे पास आ गए लेट से दो रिलेशन थे आर ए बी तो आर के अंदर रिलेशन आर में दो एट्रीब्यूट थी रिलेशन एस में भी दो एट्रीब्यूट थी इनका हमने ज्वाइन लिया और उसके ऊपर प्रोजेक्शन की सिर्फ बी तो ज्वाइन जा रहा है बी की ऊपर ही हो रहा होगा और बाद में इसी एट्रीब्यूट को हमने प्रोजेक्शन में इस्तेमाल कर लिया तो सबसे पहले तो ये करना होगा कि आपका ये जो प्लान है इसको आपने ट्री की शक्ल में देखना होगा ट्री की शक्ल में बनाना होगा आपको तभी पता चलेगा तो सबसे पहले इंटरनल ज्वाइन हो रहा था तो आपके जो रूट के ऊपर जिनका ज्वाइन हो रहा है वो आर और एस है और आपने ज्वाइन का ऑपरेटर जो है वो नोड के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया अब ज्वाइन के ऑपरेटर के ऊपर फिर जो नोड है उसमें क्या हो रही है प्रोजेक्शन हो रही है तो वो प्रोजेक्शन का ऑपरेटर आपने इसके टॉप पे कर दिया तो ये ये बात बता रहा है कि पहले प्रोजेक्शन हो रही है और उसके बाद दो टेबल्स का हमारे पास जॉइन हो रहा है सो so ये आपका प्लान इन द फॉर्म ऑफ ट्री हो गया तो हम बेसिकली बॉटम अप ट्रैवर्सल कर रहे हैं और यही जो है वो आपके ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर हो रहा होता है अच्छा अब इसको क्या किया जा सकता है क्या एक प्लान के इक्वलंट कोई और प्लान भी हो सकता है जैसे अगर ये प्लान हमने बनाया है इसी प्लान से एग्जैक्टली exactly सेम जैसे हो सकती हैं तो इसी तरह से क्या जो है यानी बराबर किस केस में अगर दोनों का सेम रिजल्ट आएगा तो वो इक्वलेंट है तो यहाँ पे भी हम कोई इक्वलेंट प्लान देखते हैं कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं तो हम इसमें थोड़ी ट्विक करके देखते हैं कि हम इस तरह से अगर कर दें कि बजाय ये प्रोजेक्शन टॉप पे करने के हम पहले प्रोजेक्शन कर दें दोनों टेबल्स पे इंडिविजुअली और फिर प्रोजेक्शन के बाद दोनों को ज्वाइन कर दें अब आप थोड़ा सा टाइम ले और ये मुझे बताएं कि बात प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन रिलेशन आर ज्वाइन विद प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन रिलेशन एस आप चाहें तो ब्रैकेट में इनकी वो लगा दे तो क्या ये जो है प्लान ये इक्वलेंट है इस प्लान के जिसमें हमने कहा था कि पहले दोनों का जॉइन ले ले और फिर प्रोजेक्शन ले ले ये क्यों इक्वलेंट है क्योंकि आप देखेंगे दोनों जॉइन ही बी के एट्रीब्यूट की बेस पे हो रहे हैं और इत्तेफाक से हम प्रोजेक्शन भी बी के ऊपर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोजेक्शन अगर पहले इन दो पूरी दो-दो एट्रीब्यूट्स -दो का डाटा फेच करके लाने के बजाय हम क्यों ना एक ही एट्रीब्यूट का डाटा फेच करके ले और एक ही एट्रीब्यूट को ज्वाइन कर ले तो आपके ख्याल में ये बेहतर वर्जन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टप वो आपके पास जो है वो कॉलम्स है और ज्यादा इंफॉर्मेशन है और कम इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टाइम की बचत होगी तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एक प्लान को किसी दूसरे प्लान में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसकी कन्वर्जन की वजह क्या है ताकि हम कोई ऑप्टिमाइज आर ए प्लान प्रपोज कर सके तो लॉजिकली अगर आप देखें तो हम ये चाहेंगे कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन पहले हो जाए क्यों ऐसा क्यों है सो so, आपको पता है कि अगर आपने आर और एस का ज्वाइन लेना है और अगर आर में पांच हजार एंट्रीज हैं और एस के अंदर जो है वो सौ एंट्रीज है तो मैक्सिमम जॉइन लेने से आपके पास एंट्रीज एंट्री फाइव थाउजेंड और सौ सात लग जाएगा तो पांच लाख एंट्रीज आपके पास आपके पास जॉइन लेने से आएंगी और फिर बाद में आप उसके ऊपर कोई सिलेक्शन लगाते हैं कोई फिल्टर लगाते हैं तो वो रड्यूस होके इस पांच लाख एंट्रीज पे वो चेक होगा फिल्टर हर एंट्री के ऊपर और आपके पास फाइनली हो सकता है कोई दस हजार रोज रह जाएंगे कुछ कम ज्यादा रह जाए लेकिन अगर मैं पहले r के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर देती अगर वो लग सकता है तो तो वो जो r के फिल्टर है उसके ऊपर अप्लाई करने से उसकी जो टपल है वो कम हो के लेट्स से 1000 रह जाती है और इसी तरह से मे बी s के ऊपर अगर कोई फिल्टर नहीं है लेट्स से s पे नहीं लगा सकते थे तो s जो है वो 100 ही रहा तो हम जब 1000 क्रॉस जो है वो 100 हंड्रेड कर रहे होंगे तो हमारे पास एक लाख टपल्स प्रोड्यूस होएंगी और उसी उसकी बनस्बत हमें यहाँ पे पांच लाख एंट्रीज में से सर्चिंग करनी पड़ी इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्शन पहले कर लेते हैं आर के ऊपर तो वो डाटा आपका थोड़ा हो जाएगा तो वो बाद में आपका जो है वो उनको ज्वाइन लेने से आपको फायदा होगा क्योंकि मेमोरी में, में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लोड करनी पड़ेगी तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को अपने आरए प्लान में पुश डाउन करने से हमें ये फायदा हो सकता है कि जो हमारा काम हमारी टाइम की बचत हो जाए की बचत हो जाए, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मे बी अगर सिलेक्शन के ऑपरेशन काफी कॉम्प्लेक्स है और हैवी है तो हम वहां पे फिर फंस सकते हैं कि हम जो है वहां पे कोई मसला आ गया तो फिर आपका अगला ऑपरेशन जो है वो भी फंस सकता है या डिले हो सकता है तो आपके पास जो है वो ऐसे हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं जो कि क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं जिसमें बिग क्यूरी जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी शामिल है माई एसक्यूएल के ऑप्टोमाइज है पोस्ट्री के हैं स्पार्क एसक्यूएल के ऑप्टिमाइज़र्स हैं जो कि आर प्लान को ऑप्टिमाइज करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं या उसका काम कर रहे होते हैं अच्छा अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं हमारे पास तीन टेबल्स है आर एस और टी और हम आर और एस का ले रहे हैं और इन दोनों का भी आर इज लेस देन टेन तो इसका आर ए प्लान या इसकी जो क्यूरी है वो क्या बनेगी कि पहले चूंकि आर और एस का ज्वाइन हो रहा है फिर उसके बाद उनके ज्वाइन के बाद उनके साथ टी का ज्वाइन हो रहा है उनके रिजल्ट सेट पे फिर इसके ऊपर फिल्टर लग रहा है फाइनली इसके ऊपर प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं ए और डी के एट्रीब्यूट्स की जो हमने मेंशन किया हुआ है तो इसका प्लान तो ये बन गया कि हमने जॉइन ले लिया इनका फिर इसके बाद टी के साथ फिर इसके ऊपर सिलेक्शन हुई फिर फाइनली प्रोजेक्शन होगी तो ट्रांसलेशन पूरी हो गई अब हमें अब हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमाइज हम इसको कैसे कर सकते हैं आप पॉज करके सोचें सो so, एक अप्रोच क्या आती है कि हम सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को पुश डाउन अप्रोच के साथ नीचे ले जाएं ट्री की रूट रूट नोड्स के सॉरी ट्री की लीफ नोड्स के पास तो so, क्या करें सो so, हम अगर सिलेक्शन को पुश डाउन करते हैं तो वो पहले हो जाएगी सिलेक्शन हो रही है रिलेशन आर के ऊपर तो so, हम इसको आर तक लेके जा सकते हैं आर so, के ऊपर हम इसको ले गए सिलेक्शन को तो सिलेक्शन जो है इसके अंदर हमने टपल्स शॉर्ट कर लिया फिर सिलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर फिर हमने इसको एस के साथ ज्वाइन किया है तो अब इसका कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ ये एग्जैक्टली exactly वही बात है यहाँ प्लान में भी देखें कि ऑप्टोमाइज प्लान में सिलेक्शन की जो है वो अंदर चली गई है टेबल के पास और फिर उसका इसके साथ ज्वाइन हो रहा है तो फायदा एक्जैक्टली exactly वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आर की टपल्स कम हो गई है तो कम टपल्स ऐस के साथ ज्वाइन हो रही होंगी फिर उससे अगला स्टेप में भी ये हो कि हम प्रोजेक्शन को भी जो है वो पुश डाउन अप्रोच के साथ जो है वो करें ताकि वो पहले हो जाए अब बात ये है यह प्रोजेक्शन हो किसके ए और डी के ऊपर और ए की एट्रीब्यूट आर में है और डी की एट्रीब्यूट टी में है तो उसका मतलब यह है कि हम इस प्रोजेक्शन को इन दो टेबल्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये हमने जो है अ वो प्रोजेक्शन को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे नीचे इस लेवल के ऊपर तो अब इस लेवल पे हमने प्रोजेक्शन को शिफ्ट करके क्या किया है कि आर तो हमारे पास यहाँ पे फिर ए और बी ही होगा लेकिन आपको बाय द एंड ऑफ द डे इंफॉर्मेशन चाहिए ए और आ, एट्रिब्यूट डी की ये टी यस नहीं आएगी ठीक है टी डॉट डी की तो अब यहाँ पे ऊपर uh, ए और सी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है जो भी रिलेशन बनेगा उसमें से ए एट्रीब्यूट फाइनल रिजल्ट में हमें चाहिए और डी चाहिए और अगले लेवल के ऊपर ज्वाइन करने के लिए टी के साथ सी एट्रीब्यूट मस्ट चाहिए तो हमने यहाँ से ऐसे जो है वो बी एट्रीब्यूट ड्रॉप करवा दिए और C एट्रीब्यूट और A को इसलिए शामिल किया कि वो ऊपर टॉप लेवल के ऊपर इस्तेमाल होनी और C को इसलिए शामिल किया क्योंकि अगले लेवल के ऊपर T के साथ उसने ज्वाइन लेना है तो हमने इस तरह से प्रोजेक्शन को जो है वो डाउन अप्रोच के साथ नीचे शिफ्ट कर दिया है अब इसका फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ से बी का कॉलम स्किप हो गया और इधर से भी बी का कॉलम स्किप हो गया तो इन्फॉर्मेशन कम हो गई है और उसी इन्फॉर्मेशन को आगे फिर आप आसानी से ज्वाइन कर सकेंगे तो ये यह यहाँ पे भी देख लें कि हमने प्रोजेक्शन को आगे शिफ्ट कर दिया आ रहे के हमारे पास कम्युनिकेटर्स हैं वो किस तरह से आप चला सकते हैं पुश प्रोजेक्शन है जो मतलब प्रोजेक्शन का काम है वो तो आप आगे जा सकते हैं सिलेक्शन और जो आपका ट्री है ना उसमें आगे तक लेके जा सकते हैं प्रोजेक्शन को इसी तरह से सिलेक्शन को भी आप सिलेक्शन के से ले आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और प्रोजेक्शन से भी आगे लेके जा सकते हैं और ज्वाइन से भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं बस एक चीज मैं यहाँ पे आपको जो है वो बता दूं कि हमने ये जो आर ए किया था जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सेट्स के लिए ये बनता है लेकिन हमें अपने को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर हम मॉडिफाई करें या ना करें लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आरे को आप मल्टी सेट्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर उसकी हैंडलिंग के लिए भी हमें कुछ चीजें किस तरह से करनी है तो ये सारी बातों का ख्याल हमें करना पड़ेगा तो हमने जो प्रोजेक्शन की है उसकी बात की है तो डी जो है वो ये पॉलिसीज एक्चुअली में ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइजेशन की इंप्लीमेंट करता है जैसे यहाँ पे बताया कि अगर आप की सिलेक्शन बाहर हो रही है ज्वाइन से पहले तो आप इस सिलेक्शन को जो है वो यहाँ आगे फॉरवर्ड करके रिलेशन आर के ऊपर पहले लगा सकते हैं इन्हीं ज्वाइन से आगे लेके आप इसको तो अगर तो सी के अंदर वो एट्रीब्यूट मौजूद थी आर के अंदर सी एट्रीब्यूट मौजूद है तो आप सी आर के ऊपर सिलेक्शन करेंगे और अगर वो एस में थी तो आप पे करेंगे तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं इसी तरह से आप को री ऑर्डर कर सकते हैं हमने इसी वीक के लेक्चर टू में भी देखा था कि जो हमने कंपनी का टेबल बाहर ले गए थे और अंदर जो है वो प्रोडक्ट और परचेज के टेबल को से ज्वाइन करने से हमारा जो है वो काम जो हमारी आउटपुट थी उसमें फर्क आ रहा था बनस्बत उसके जब हमने तीनों को इकट्ठा ज्वाइन किया था तो सिर्फ इन्हीं तरीके कार से जो है वो चीजों को आगे पीछे करके आप करके आप बहुत सारे टाइम की जो है वो बचत कर सकते हैं तो हमने कंक्लूड क्या किया या हमने सीखा किया हमने असल में इस आरए प्लान के जरिए क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करना सीखी है अब मे भी आप भी जब क्यूरी लिखते हुए अपने हाथ से प्रैक्टिस करके इस बात का ध्यान रख रहे होंगे की वो सतह लिखते हुए आप क्या चीज पहले लिखें बाद में लिखें तो क्या क्यूरी बेहतर हो सकती है कि नहीं हो सकती एक तो वो बेहतरी है जो कि आपका डीबीएमएस आपके लिए लेके आ रहा है आरए प्लान के ऑप्टिमाइजेशन से और एक वो है जो आप क्यूरी लिखते हुए देख सकते हैं कि सब क्यूरीज लिखनी है या नहीं ग्रुप बाय का इस्तेमाल पैक करना है कि नहीं और इस तरह की बातें तो हमने लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन किया है जो कि है कि प्लान्स इक्विवेलेंट प्लान्स बनाना और उन प्लानस को ऑप्टिमाइज करना ताकि नंबर ऑफ टपल्स जो है वो कम हो सके ठीक है आर ऑपरेटर्स के ऑर्डर चेंज करने से जो है वो नंबर ऑफ टपल्स हम कम कर सकते हैं ये लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन है एक फिजिकल लेवल की ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें ये देख रहे होते हैं कि एग्जीक्यूट करते हुए आयो कॉस्ट कितनी कम से लग रही है आयो कॉस्ट से मतलब है इनपुट एंड आउटपुट कॉस्ट यानी कितनी चीजें आपको मे बी रैम में उठा के हार्ड डिस्क से लोड करनी पड़ रही है और रैम से उठा के हार्ड डिस्क में वापस रखनी पड़ी है तो इस तरह की बातों में कौन से एल्गोरिज्म बेहतर रहेंगे बफर साइज कितना होना चाहिए डेटा साइज किस तरह से आप होना चाहिए बी ट्रीज और ये सारी बातें आगे चल के इनशाला जो है वो हम देखेंगे कि फिजिकल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है तो फाइनली हमने टेक जो हमारे पास ये है कि लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ी है इस लेक्चर में और ये देखा है कि प्लान काफी एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्वलेंट और रिलेशनल अलजबरा के साथ हम बहुत ही एलिगेंट वे के अंदर अपनी प्रॉब्लम की अपनी थ्यूरी की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जो कि आगे फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं